कुछ नहीं कह रहे, ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो बन गया ओ माइनस। ठीक है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हमेशा रिलीज होती है, हमेशा क्या होती है रिलीज, एक्सेप्ट फॉर नोबल गैस जिनमें इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल वाले को इलेक्ट्रॉन देके अनस्टेबल करना हमें नहीं करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑन दी अदर हैंड दीक्षा, ओ माइनस को इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है और नेगेटिव को और इलेक्ट्रॉन देंगे तो रिपल्शन विल बी देयर। तो इसमें तुम्हें क्या लगता है, जब कोई नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन देना है तो क्या वो आसान होगा या मुश्किल? मुश्किल होता है तो मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव। हाँ, स्टेबल तो है पर उसके पहुंचने की रिपल्शन ज्यादा होती है, मतलब वहां तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने में एनर्जी ज्यादा लग जाती है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो नोबल गैसेस की तो फर्स्ट पॉजिटिव होती है पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो आंसर इज पॉजिटिव बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू अ नेगेटिवली चार्ज आयन, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड नॉट रिलीज, इज रिक्वायर्ड टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू नेगेटिवली चार्ज आयन। तो इसीलिए रिक्वायर होती है तो पॉजिटिव, रिलीज होती है तो नेगेटिव। ठीक है, समझ आई वाली बात? नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्या डाउट है? मिटा दूं?